कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने की चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मऊगंज और उमरिया को जिला बनाने की मांग की। उनका कहना था कि मऊगंज और उमरिया को जिला बनाकर वहां ज्यादा विकास किया जा सकता है, तो वहीं इस दौरान चुनाव लड़ने के सवाल पर सहमति जताते हुए महाराजा ने पार्टी की इच्छा के अनुरूप चुनाव लड़ने की बात कही है। तो वहीं उनके इस वक्तव्य के बाद राजनीतिक गलियारे में भी हलचल पैदा हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले महाराजा की दावेदारी ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करने वाले लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिया जाएगा जहां जहां मुझसे पूछा जा रहा है, मैं बकायदे उनसे बात कर रहा हूं। आपकी रुचि है कि मुझे पार्टी जहां से बोलेगी मैं चुनाव लड़ूंगा। निश्चित रूप से राजनीति में हूं तो चुनाव लड़ने की रुचि तो ही है। हमारे डिविजन का भी एक महत्व रहा है। दो क्षेत्र है जिनको मैं मांग कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये मांग कर रहा हूँ कि जिसमें दो नए जिले बनने चाहिए, एक है हमारा मऊगंज और एक है हमारा व्यवहारी। व्यवहारी की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो सारी दिशाओं से व्यवहारी की कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी है, और एक तरफ रीवा है, दूसरी तरफ सीधी सिंगरौली है, तीसरी तरफ छत्तीसगढ़ और शहडोल है, चौथी तरफ कटनी और बरही है और जबलपुर है। तो हर दिशा पर व्यवहारी का कहीं ना कहीं से रास्ता चलता है और आके मिलता है। राजस्व इनकम भी व्यवहारी की बहुत अच्छी और सुदृढ़ हो सकती है। थोड़ा सा चुरहट का क्षेत्र, थोड़ा सा अमरपाटन का क्षेत्र, थोड़ा सा शहडोल का क्षेत्र, इसको मिलकर जो व्यवहारी अगर डिस्ट्रिक्ट बनता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा और बहुत सही जगह पर एक